अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। आज का हमारा टॉपिक है कल्चर। जो चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ, सब हेडिंग्स आपको नज़र आ रही होंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर देखेंगे और फिर हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ये सारी इसी एक छोटे से वीडियो में इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सोशल साइंसेज। इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इमीजिएटली एंड नेसेसरी। इट लीड्स अस टू द स्टडी ऑफ इट्स कल्चर। द स्टडी ऑफ सोसाइटी आर एनी एस्पेक्ट्स ऑफ इट बिकम इनकम्प्लीट विदाउट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। कहते हैं ये सोसाइटी के अंदर कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे कि अगर आप किसी सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसका कल्चर लर्न करना पड़ेगा कि इनका कल्चर क्या है। यानी अगर आप किसी और कम्युनिटी में जाते हो और आप वो लोग बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ज़ुबानें अलग बोलते हैं, और आप अगर उनमें घुलना मिलना चाहते हैं, उनकी सोच को देखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उनका कल्चर पढ़ेंगे और फिर आपको इजीली उन्हें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। आप इस तरह से कल्चर और सोसाइटी का जो है वो इतना गहरा रिश्ता है एक दूसरे के साथ। कल्चर कैन बी डिफाइंड एज मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का ऐसा हिस्सा जो इंसान ने खुद बनाया है। अकॉर्डिंग टू द मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, द बिलीव्स कस्टम्स आर्ट्स ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी ग्रुप प्लेस आर ये टाइम। आप इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, बिलीव्स, कस्टम जो है वो, ये सारी चीज़ें आपकी मिल मिलाकर इनको सबको इकट्ठा करें, आपकी वैल्यूज़ को, आपके बिलीव्स को, आपके कस्टम्स को, ये सारी मिल मिला के आपके पास कल्चर है। इंतहाई इजी वे में ये आपने जहन में रखना है कि आपके जितने नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये सारी आपके कल्चर हैं। और कल्चर का क्या रोल है सोसाइटी में, आप सोसाइटी को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते जब तक आपको किसी सोसाइटी के कल्चर के बारे में नहीं पता। एलिमेंट्स की तरफ हम चलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, ये हम कुछ एलिमेंट्स देखेंगे। लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एलिमेंट्स होते क्या हैं, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। एलिमेंट्स जिससे कल्चर मिल के बनता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने नीचे पॉइंट्स लिखे हैं, इन सब चीज़ों से मिल के एक सोसाइटी का कल्चर बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज देखिए किसी भी सोसाइटी में आप लैंग्वेज से देख के ही बंदे को पता कर लेते हो कि ये जो है वो इस ज़ात का है या फिर ये इस सोसाइटी से, इसके इस कम्युनिटी से इसका ताल्लुक़ है। जैसे पठानों को आवाज़ से, उनकी लैंग्वेज से आप पता कर लेते हो ना कि ये पठान है। कोई जैसे हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो हिंदी बोल रहे होते हैं, आप हिंदी से आपको जज कर लेते हो कि ये हिंदू है। इस तरह से आपको लैंग्वेज डायरेक्टली जो है वो सोसाइटी के कल्चर की तरफ ले जाती है, डायरेक्टली आपको शिफ्ट करा देती है कल्चर की तरफ और आपको सोसाइटी के कल्चर के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया लैंग्वेज। नेक्स्ट मूव करते हैं रिलीजन। रिलीजन क्या है आपके पास, देखिए मज़हब भी आपका बहुत रोल प्ले करता है किसी कल्चर को डिवेल्प करने में। कैसे, आप मज़हब से भी पता चल जाता है कि ये कहाँ का रहने वाला है, ये कैसे लोग हैं। जैसे अगर आप मुसलमान को देखें, नमाज़ें पढ़ रहा होगा, ठीक है, आप उसके हुलिये से आपको पता चल जाएगा कि ये मुसलमान औरत है, ये मुसलमान मर्द है। ठीक है, हिंदुस्तान का भी इसी तरह से है। अमेरिका से कोई रह रहा है, उसके लाइफस्टाइल से आपको उनके मज़हब क्या है आपको उसे पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिलीजन आपके कल्चर को प्रमोट कर रहा है, आपके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। मूव करते हैं नॉर्म्स की तरफ। नॉर्म्स ऐसी आपके प्रिंसिपल्स हैं जो सोशली आपका बिहेवियर एक्सेप्ट कर लेती है सोसाइटी। जैसे नॉर्म्स क्या है, असूल, अगर आप इसको उर्दू में जहन में रखना चाहते हो तो ये असूल। जैसे सोसाइटी ना कुछ रूल्स रख लेती है, कुछ प्रिंसिपल्स रख लेती है, ठीक है, और एक बाउंड्री सेट कर देती है कि आपने इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, अब कुछ लोग इसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर देते हैं, उसको हम दो वेज में लेते हैं, फोक वेज और मोर्स। फोक वेज ऐसी होती है कि आप ऐसी डिवियंस कर दो, ख़िलाफ़ वर्जी कर दो जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा और आपको एज सच कोई उसकी सज़ा नहीं मिल रही। जैसे सपोज़ आप बाहर जाते हैं तो आप उल्टी शर्ट पहन के चले जाते हैं, तो इसकी आपको लॉ की तरफ से कोई सज़ा नहीं है, कोई आपको इसको पनिश नहीं कर सकता इस बात पे। ये फोक वेज आ जाते हैं। मोर्स आपके क्या आते हैं, आप कोई पनिश, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी पनिशमेंट आपको दी जाएगी। जैसे आप किसी को, किसी से लड़ाई झगड़ा किया है मोहल्ले में, तो आपको, आपके ऊपर वो केस करा सकते हैं। ठीक है, तो ये मोर्स होते हैं। सिम्बल्स, सिम्बल्स में आपका बहुत ईजी वे में जो फ्लैग्स होते हैं ना,
ये कंट्री के सिंबल होते हैं, ठीक है। ऐसे जेस्टर्स या ऑब्जेक्ट जो किसी मीनिंग को शो कर रहे हो, जैसे आपका फ्लैग है, ये क्या है, बेसिकली ये कपड़ा होता है ना, लेकिन उसके ऊपर कलर्स वगैरह किए होते हैं और वो बेसिकली शो कर रहा होता है आपके पास कि ये कौन से मुल्क का झंडा है, बता रहे हैं ना, ये सिंबल है हमारी पाकिस्तान का झंडा। वैल्यूज़, कोई भी ऐसा काम जिसको आप तरजीह देना शुरू कर दो, ठीक है, वो आपकी वैल्यूज़ में शामिल हो जाते हैं। एजुकेशन, आपकी एजुकेशन से भी आपका अंदाज़ा लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में और है, बाहर कंट्रीज़ में और है। आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो बाहर, तो आप सबसे पहले देखते हो कि यहाँ पे एजुकेशन क्या है, अच्छा इसका लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग इससे एजुकेट हो रहे हैं, कितने का सबके क्या रिव्यू है। तो ये एजुकेशन भी आपको कल्चर के बारे में ही बता रहे हैं ना। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम और ट्रेडिशंस, आपके पास कस्टम्स क्या है, कोई ऐसी चीज़ें जो आप पीछे से करते आ रहे हो, ठीक है, और अब वो जनरेशन टू, ये तो हो गया आप रिपीटेडली कर रहे हो, ये कस्टम हो गया, लेकिन अगर वो जनरेशन टू जनरेशन सारे कस्टम्स मूव करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, अब जब ये जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, ये आपके पास ट्रेडिशन हो जाएंगे। ये हो गया कस्टम और ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल सिस्टम से भी आप किसी भी मुल्क के बारे में बहुत ईजीली जज कर सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी को, आप किसी भी सोसाइटी को स्टडी कर सकते हो। किस तरह से, आप सबसे पहले देखोगे कि गवर्नमेंट इनकी किस तरह की है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी है इनके मुल्क में, ये आपको क्या चीज़ दिखा रही है, ये भी आपको सोसाइटी का कल्चर ही बता रही है ना। फैमिली सिस्टम, अब देखिए फैमिली सिस्टम अलग अलग है, जॉइंट फैमिली है और यहाँ पे जॉइंट फैमिली रहने का जी रिवाज है, यहाँ पे जॉइंट फैमिली नहीं रहती, लोग शादी के बाद अलग हो जाते हैं, ये सब क्या, ये भी कल्चर ही शो कर रहे हैं ना आपके पास। ये हमारे कंप्लीट हो गए एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर, ये हमारी जो आखिरी हेडिंग है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए गौर से सुनना है आपने। टाइप्स ऑफ कल्चर, चार तरह की टाइप्स है कल्चर की, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, आइडियल कल्चर और एक रियल कल्चर। मटेरियल कल्चर आपका वो कल्चर है जो मैन मेड है, इंसानों ने खुद क्रिएट किया है, फिज़िकल है, टेंजिबल, यानी उसको हम टच कर सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, जैसे खाना इंसान खुद तैयार करता है, ये इंसान ने बनाया है, तो ये क्या है, टेंजिबल भी है। बिल्डिंग्स इंसान खुद क्रिएट कर रहा है, खुद बिल्ड कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये आपके पास क्या है, टेंजिबल है, और ये आपके पास मटेरियल है। क्लोथिंग, टेक्नोलॉजी, फूड, बिल्डिंग, ये सारे मटेरियल में आ रही है, ऐसी चीज़ें जिनको आप टच कर रहे हो, ऐसा कल्चर जो आप टच कर रहे हो, ठीक है। नॉन मटेरियल कल्चर, थॉट्स आर आइडिया दैट मेक अप अ कल्चर, इनटेंजिबल होते हैं। अब ऐसे आइडियाज़ जो आपका कल्चर बनाते हैं, ठीक है, इनटेंजिबल है, आप इनको हाथ नहीं लगा सकते हो, फिज़िकली टच नहीं कर सकते हो, तो क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी बोला, लैंग्वेज, आपके नॉर्म्स, लॉ इंक्लूड होगा, आपकी लैंग्वेज इंक्लूड होगी। आइडियल कल्चर आगे हम मूव करते हैं, क्या होता है, कल्चर विच कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड बिलीव्स दैट अ सोसाइटी क्लेम्स आर फॉलो, इसके अंदर वो वैल्यूज़, वो नॉर्म्स आपकी आ जाएंगी, बिलीव। और देखो आइडियल कल्चर वो होता है कि सोसाइटी चाह रही हो कि हमारा ऐसा जो है वो हमारी सोसाइटी में ऐसा कल्चर हो, जैसे अगर हम कहें कि पाकिस्तानी सोसाइटी में आमतौर पर क्या चीज़ देखी जाती है, कि हमारी सोसाइटी में अमन हो, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हों, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा हो, सब एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है, इस्लाम के असूलों पर मबनी माशरा हो, तो ये सब क्या है कि सोसाइटी चाह रही होती है कि हमारा ऐसा जो है वो, हर बंदे का जिस तरह आइडियल होता है ना कि ये मेरा ये आइडियल है, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, ऐसे सोसाइटीज़ का भी आइडियल कल्चर होता है कि हमारी सोसाइटीज़ में ऐसा कल्चर हो। नेक्स्ट रियल कल्चर, रियल कल्चर आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो कल्चर आपकी सोसाइटी में मौजूद हो, जैसे हम ये सब चाह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में लड़ाई ना हो, हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई सीन ना हो, कोई किसी को कुछ ना हो, लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। अब जो हम चाहते हैं वो आइडियल है, लेकिन जो हमारी सोसाइटी का हाल है इस टाइम वो रियल है, ठीक है। ये बहुत ईजी वे में मैंने आपको बता दिया है टाइप, मटेरियल क्या होती है, नॉन मटेरियल, आइडियल, रियल, सारी क्लियर हो गई हैं। एलिमेंट्स भी इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, डेफिनेशन भी मैंने बता दी है। अब आपने क्या करना है, जल्दी से मेरी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।